हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि WWE सुपरस्टार्स और सऊदी अरेबिया पहुंच चुके हैं क्राउन जूल के लिए, जिसके वजह से इस वीक का स्मैकडाउन ऑलरेडी हो चुका है टेप्ड। एंड आज की इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूं कि हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है इस वीक के स्मैकडाउन में। मैं ये बात करने वाला हूं हमें क्या कुछ देखने को मिला। एंड यस, अगर आप सब स्पॉइलर से दूर रहना चाहते हो तो आप सब इस वीडियो को कर सकते हो स्किप। बट हाँ, मेरे पास जॉन मॉक्सली से रिलेटेड भी कुछ अपडेट है। तो सबसे पहले हम इस वीक के स्मैकडाउन के स्पॉइलर से कर लेते हैं शुरुआत। तो जैसा कि WWE कोडी रोड्स एंड रैंडी ऑर्टन वर्सेस गुंथर एंड लुडविक काइजर का टैग टीम मैच कर रही थी एडवर्टाइज इस वीक के स्मैकडाउन के लिए, जो भी इनके बीच लास्ट वीक हमें देखने को मिला उसकी वजह से वही बात कर ली जाए कि इस मैच में हमें क्या कुछ देखने को मिला। देन गाइस, यहां पर हमें जीत तो होते हुए दिखी कोडी रोड्स एंड रैंडी ऑर्टन की, बट मैच के बाद हमें सबसे पहले तो केविन ओवेंस आते हुए दिखे, जिन्होंने आकर रैंडी ऑर्टन पर अटैक किया। फिर गुंथर ने आकर कोडी रोड्स को सबमिशन में जकड़ लिया एंड एक तरह से कोडी रोड्स एंड रैंडी ऑर्टन की जीत तो हुई, बट उन पर मैच के बाद हुआ काफी बुरी तरह से अटैक। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिला वो है एक बैटल फोर वे मैच ईओ स्काई वर्सेस बियांका बेलेर वर्सेस पाइपर निविन वर्सेस लेस लेजेंड के बीच, जहां पर हमें जीत होते हुए दिखी ईओ स्काई की। इसके बाद नेक्स्ट हमें एक बड़ा मैच देखने को मिला लिव मॉर्गन वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन के बीच, एंड यहां पर लिव मॉर्गन ने पिनफॉल के जरिए हरा दिया है टिफनी स्ट्रैटन को। बट मैच के बाद हमें नाया जैक्स आकर अटैक करते हुए दिखती है लिव मॉर्गन पर, और लिव मॉर्गन से बात चली रही है। तो गाइस, आप सबको बता दूं, लिव मॉर्गन एंड रेक्विल ने एनएक्सटी पर जाकर अटैक किया था रिया रिप्ली पर, जिसके वजह से WWE ने हमें ये बताया कि रिया रिप्ली हो चुकी है इंजर्ड। और लोगों को तो ये स्टोरी लाइन वाली इंजरी लग रही है, बट रिया रिप्ली को कुछ और ही इंजरी हुई है, जिसके वजह से ये एंगल उन्होंने दिखाया टेलीविजन से ऑफ रखने के लिए रिया रिप्ली को। एंड एक्सपेक्टेड है कि अब रिया रिप्ली आप सबको नेक्स्ट ईयर ही वापस आते हुए दिखने वाली है। एंड मे बी हो सकता है WrestleMania 41 में हमें रिया रिप्ली लिव मॉर्गन से लेते हुए दिख जाए वापस अपनी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। वहीं इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग हमें स्मैकडाउन पर देखने को मिली वो है एक टैग टीम मैच नायोमी एंड बेली वर्सेस कैंडिस लेरे एंड इंडी हार्टवेल के बीच, जहां पर हमें जीत होते हुए दिखी नायोमी एंड बेली की। इसके बाद नेक्स्ट अगेन हमें एक टैग टीम मैच ही देखने को मिला स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस प्रीटी डेडली के बीच, जहां पर जीत होते हुए दिखी स्ट्रीट प्रॉफिट्स की। और फाइनली जो थिंग हमें देखने को मिली वो है रोमन रेंस एंड उसोस का सेगमेंट। इसके बारे में मैंने आप सबको थोड़ा बहुत लास्ट वीक ही बताया था, बट डिटेल में बात कर ली जाए कि इस सेगमेंट में क्या कुछ हुआ। सबसे पहले तो रोमन रेंस एंड जिमी उसो आते हैं, जहां पर जिमी उसो ये बोलते हैं रोमन रेंस को कि तुम्हें अपनी बीफ खत्म करनी चाहिए जे उसो के साथ, बिकॉज अगर ऐसा वो नहीं करते तो उनकी सऊदी में जीत नहीं होने वाली। बट उसके बाद जे उसो निकल कर आते हैं एंड वो रोमन रेंस को ये बोलते हैं कि तुमने मेरे साथ जो भी किया मैं उसे भूला नहीं हूँ, तुमने जो भी मेरे साथ फिजिकली किया है, इमोशनली किया है, मेंटली किया है, सब कुछ मुझे याद है, एंड अब मैं तुम्हारा राइट हैंड मैन बिल्कुल भी नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं तुम्हारे इक्वल हूँ। जिसके बाद जे उसो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ वापस तभी आऊंगा जब तुम हम दोनों को अपने जैसा इक्वली ट्रीट करोगे, ना कोई यहाँ पर ट्राइबल चीफ रहेगा ना ही कुछ और, हम सब बिल्कुल इक्वल रहेंगे। जिसके बाद रोमन रेंस जिमी उसो से माइक मांगते हैं एंड वो काफी ज्यादा सोचते हैं और एट दी एंड वो बोलते हैं यीट, एंड तीनों मिलकर हमें पहले की तरह वी द वन की साइन बनाते हुए दिखते हैं। यानी कि गाइस, फाइनली रोमन रेंस एंड उसोस का हो चुका है रियूनियन और ये तीनों अब एक साथ यूनाइट होकर जाने वाले हैं सऊदी अरेबिया में सोलो सिक्वा की टीम को फेस करने के लिए। सो गाइस, यही थी वो चीजें जो कि हमें इस वीक के स्मैकडाउन में देखने को मिली। बट हां, अब फाइनली बात कर ली जाए जॉन मॉक्सली से रिलेटेड मेरे पास क्या कुछ अपडेट है। तो आप सभी को पता है जो भी उनके साथ AEW में चलता है उसे मैं रेगुलरली कवर करता रहता हूं, बिकॉज अभी जो हमें सीन देखने को मिल रहा है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बिकॉज जॉन मॉक्सली की टीम ने AEW को एक तरह से कर लिया हाईजैक, यानी कि वो किसी भी मैच में घुसकर किसी पर भी अटैक करना कर देते हैं शुरू। वहां की वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीतकर एक तरह से उसे गायब तो कर ही दिया है जॉन मॉक्सली ने, एंड अभी हर वीक लगभग हमें यही चीज देखने को मिल रहा है। वहीं बात कर ली जाए कि शेन मैकमैन कब आने वाले, जिसका वेट फैंस काफी टाइम से कर रहे। तो गाइस, अब जॉन मॉक्सली की टीम को जितना दबदबा बनाना था उन्होंने AEW में बना लिया है, एंड अब नेक्स्ट वीक या फिर उसके बाद वाली वीक कभी भी हमें शेन मैकमैन का डेब्यू देखने को मिल सकता है AEW में, जिसके बाद तो ये स्टोरी लाइन और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। वहीं डेब्यू से बात चली रही है, आप सभी को बता दूं बॉबी लेस्ली भी आ चुके हैं AEW में, जिसके चांसेस मैंने आप सबको पहले ही बताए थे, एंड जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही हमें देखने को मिला। यानी कि उन्होंने आकर MVP और सेल्टल बेंजामिन को कर लिया है ज्वाइन, और इनकी टीम का हर्ट बिजनेस तो नाम नहीं रहने वाला बिकॉज वो ट्रेडमार्क WWE के पास है, इसलिए उन्होंने इस टीम का हर्ट सिंडिकेट नाम रखा है। तो लेट्स सी कि अब बॉबी लेस्ली की बुकिंग AEW में किस तरह से होती है। वैसे क्या आप इंटरेस्टेड हो AEW में चल रही चीजों में या फिर नहीं, यस और नो लिखकर नीचे कमेंट में बता देना। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।